हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डीआई शेयर करने जा रही हूँ। बेबी बेड की डीआई शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। बेबी बेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ओल्ड पेटीकोट ले रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत ही कम यूज़ की हूँ मैं इसका, और ये अच्छा था तो मैं इसी का रीयूज़ करके बेबी बेड बनाने जा रही हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सा बेबी बेड बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस पेटीकोट को ले लिया है और उसे अच्छे से प्लेन बिछा लिया है। उसके बाद उसको फोल्ड मैं कर दे रही हूँ, इसका फोल्ड करके हाफ फोल्ड जो होता है वो मैं कर दे रही हूँ। फिर इसमें एक मार्क लगाऊंगी जैसा मुझे कट करना है। तो मैं यहाँ पे एक राउंड शेप का ही बनाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी रहेगा। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पूरा फोल्ड करके अच्छे से प्लेन कर ली हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जितना मुझे कट करना है उतना मैं बस अंदाज़ा से कट कर रही हूँ, कोई मार्क नहीं, मतलब कोई मेज़रमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया मुझे जितना कट करना है, तो मैं पेन से यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसे कट करूँगी और ये ना डुअल होकर के राउंड शेप में ही कट के आएगा, और ये दो में आएगा जो कि हम लोगों को यूज़ होगा और वही हमारे यूज़ में है। तो यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है। तो ये देखिए, ये कट होकर के आ गया है, तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरी ये जो राउंड शेप की है, तो मैं ये ओपन कर रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से कुछ आएगा ये राउंड शेप में। और यहाँ पे मैं एप्पल की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखिए बन पाता है कि नहीं बन पाता है। आप सब बताना कि ये कौन सा शेप में है, आप सभी को दिखेगा बनने के बाद, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने एप्पल की शेप देने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर में छोड़ा है, ताकि वो हैंग करने के भी यूज़ में आ जाए और ये लुक भी अच्छा आए, इसलिए मैंने इसे इस तरह से छोड़ा है। और ये देखिए, यहाँ पे ये फॉर्म का यूज़ करके मैं बनाऊँगी, ताकि बहुत ही फ्लॉपी फ्लॉपी सा बन जाए ये फॉर्म। साड़ी में न्यूज़ जो साड़ियाँ आती हैं ना, वो सब में निकला है और उसी का यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप मार्केट में भी खरीद सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। और इसी फॉर्म को मैं डाल करके बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया है पूरे, और यहाँ पे किनारे में इसकी सिलाई लगा दे रही हूँ, ताकि इधर उधर नहीं निकले। तो पहले मैं किनारे को ही सिल ले रही हूँ, और इसमें ना पहले जो नीचे वाली है उसके बाद मैंने फिर से पूरे फॉर्म को पूरे अच्छे से बिछा करके फिर ऊपर में फॉर्म डाल दिया है और भी अच्छे से। उसके बाद मैं मतलब दो तीन लेयर मैंने फॉर्म का डाला है, पतले पतले से ही फॉर्म की, तो वो डाल के इतनी फ्लॉपी फ्लॉपी सी हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दे रही हूँ, किनारे में पूरी सिलाई लगा दूँगी। आप पहले भी सिलाई लगा सकते हैं, दोनों किनारियों को पकड़ पकड़ के सिलाई लगा दे राउंड में, फिर थोड़े से गैप रखे, फिर उसमें ना फिलअप करके, वहाँ से फिलअप करके फिर इसे बंद कर सकते हैं। पर मैं मुझे ना ये ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि मेरे जो फॉर्म थे वो छोटे पड़े से थे, तो मुझे उसे पहले एक एक करके अच्छे से बिछा करके रखना पड़ा, फिर उसके बाद से मुझे सिलाई लगानी पड़ी, इसलिए मुझे ये ज़्यादा इजी लगी। या फिर अगर कोई कतरन डालना है या फिर फॉर्म को कट करके डालना है, तो वो उसमें वो ज़्यादा अच्छा से होगा। तो इसलिए आपको जैसे सुविधा लगे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से फ्लॉपी फ्लॉपी सा न्यू बॉर्न बेबी के लिए ऐसा बेड तैयार कर सकते हैं। बेड बहुत गीले हो जाते हैं, छोटे न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं, इसीलिए इस तरह का जो कि ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म से ड्राई भी हो जाएगा, ज़्यादा गीला नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म का यूज़ किया। तो ये देखिए, मैंने पूरा बंद कर दिया है और थोड़ा सा गैप रखी हूँ, तो मेरे पास कुछ कतरन भी बचे हुए थे जो कपड़े के थे, वो मैं वेस्टेज हो जाता उतने ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे कट करके वो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, या फिर सिलाई करते वक्त थोड़ा बहुत जो इधर खिसक जा रहा है, तो मैं वहाँ पे कतरन डाल के और फिलअप कर दे रही हूँ। देखिए पूरे फ्लॉपी फ्लॉपी से हैं, और ये देखिए अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है राउंड, पूरी मैंने सिलाई लगा चुकी हूँ। और ये देखिए शेप, अभी आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीज़ का शेप है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से और सेट करने के लिए बीच में भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी, तो मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे तक पूरा सिलाई लगाऊंगी, फिर इधर से लगाऊंगी अपोजिट साइड से, ताकि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से सिलाई लगाऊंगी, ताकि दोनों अच्छे से सेट हो जाए दोनों तरफ से, और एक डिज़ाइन सा बन जाए, स्क्वायर स्क्वायर का घर जैसा बन जाए, इसलिए मैंने वैसे की है। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर कोई नहीं, हो जाएगी। और क्योंकि
बहुत अंदर में डला हुआ है फॉर्म, इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें मुड़ने में और सुई घुसाने में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ही इजीली बन जाता है। मैंने इसमें बहुत कम समय में बनाया है, एक दिन में बनाया है। और आप किनारे में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर से इसी के साइज़ में काट के इसके ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपको और सुंदर बनाना है तो आप इसे और भी इनोवेट कर सकते हैं, पर मुझे बहुत जल्दीबाजी में बनाई हूँ मैं, क्योंकि बहुत कम समय था मेरे पास और मैंने ऐसे ही समय था मेरे पास तो मैंने बना दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल भी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा दिया। तो इसी तरह मैं यहाँ पे हाफ हाफ इंच में लगाते जाऊँगी सिलाई और तीन चार लाइन बन जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं दूसरी तरफ से लगाऊंगी। तो ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर सा घर जैसा बन गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए एकदम फ्लॉपी फ्लॉपी सा बन गया। आप शेप बता दीजिएगा मुझे कि कौन सी शेप में है, मैं जो ट्राई कर रही थी वो बन पाया या नहीं पाया। तो ये अब पूरी रेडी हो चुकी है, अब ये बहुत ही यूज़ होगा और जो ड्राई भी हो जाएगा टॉयलेट और ज़्यादा गीला भी नहीं रहेगा, ये सुखाने में भी बहुत ही ईजी होगा। तो ये रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए, और सबसे ये बेस्ट आइडिया भी है न्यू बॉर्न बेबी को गिफ्ट देने के लिए। तो आप सब बताना आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।